जय शिव शंभु। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। प्राचीन काल से ही सभी धर्म ग्रंथों में गुरु को सर्वाधिक महत्व बताया गया है, और गुरु को सम्मान देने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। समस्त गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? गुरु शब्द का अर्थ होता है शिक्षक, गुरु या ज्ञान देने वाला। शास्त्रों के अनुसार गुरु का मतलब होता है अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का भक्ति मार्ग दिखाते हैं। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं तथा उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन गुरु उनकी प्रतिभा को पहचान कर उसे संवारता है और उसका मार्गदर्शन करता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। धर्म शास्त्रों में यह वर्णन है कि बिना गुरु ज्ञान के भगवान नहीं मिलते, अर्थात ईश्वर को पाने का गुरु ही एकमात्र माध्यम है। लेकिन अच्छे गुरु का मिलना आपके पूर्व कर्मों पर ही आधारित होता है। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध निःशुल्क होता था। गुरु के आश्रम में सभी शिष्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे, और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने गुरु की पूजा आराधना तथा उनका सम्मान किया करते थे। यह परंपरा भारतवर्ष के कई आश्रमों में आज भी विराजमान है। यह तो हम मानते हैं कि आज के इस मॉडर्न युग में गुरु शिष्य परंपरा में कमी आई है, क्योंकि शिक्षा के मापदंड बदल गए हैं। उच्च शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के अनेक स्रोतों के चलते शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और इस बदलाव के चलते आश्रमों की जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तथा शिक्षा संस्थानों ने ले ली है। लेकिन सूत्र और माध्यम अभी भी वही है, गुरु और शिष्य का, जो ना कभी समाप्त हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। बस परिभाषाएं थोड़ी बदल गई है। जो आपको ज्ञान दे वह गुरु है, बेशक वह आश्रम में हो या किसी इंस्टीट्यूट में। हिंदू धर्म के साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं, और इन्होंने ही वेदों तथा पुराणों की रचना की थी और समस्त मानव जाति को पहली बार वेदों का ज्ञान दिया था। इसलिए महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। तभी से महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जय शिव शंभु। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, इसलिए बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार भी गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन जैन धर्म के 24वें जैन तीर्थकर भगवान महावीर ने गौतम गणधर को अपना पहला शिष्य बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के पर्व में आप सबको क्या पूजा विधान करनी चाहिए। तो ये दिन प्रातः स्नान आदि करके सर्वप्रथम माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। फिर महर्षि वेदव्यास की पूजा आराधना करनी चाहिए। जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं या गुरु से दीक्षित हैं, वह लोग अपने गुरु के पास जाकर पूजा आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग इस दिन अपने गुरु के समक्ष ना जा सके किसी वजह से, तो वह इस स्थिति में उत्तर दिशा में अपने गुरु की तस्वीर रखकर उसकी पंचोपचार पूजन करें और उन्हें मिठाई का भोग लगावें। फिर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें, और इसके पश्चात अपने इष्ट मंत्र की एक माला अवश्य करें। जो लोग गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं या गुरु धारण करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। वह आज के दिन गुरु से दीक्षा प्राप्त कर अथवा गुरु मंत्र धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना गुरु पूर्णिमा वाले दिन विशेष फलदायी होता है। श्री सत्यनारायण की कथा अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष कल्याणकारी होता है।
यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु कमजोर है या पीड़ित है तो उसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए और पीली मिठाई या पीली वस्तु का दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष को अर्घ्य देना और पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करना भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। शाम को तुलसी महारानी के समक्ष घी का दिया जलाना चाहिए। सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना करनी चाहिए और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर दूध में गंगा जल और अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप में से जिन लोगों ने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी अवश्य दबाएं। तो शीघ्र मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। जय शिव शंभू।